हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव। और अब तक अपन ने क्या देखा है? अपन ने एक पोड क्रिएट किया है। एंड पोड कैसे क्रिएट किया है? अपन ने रन कमांड के थ्रू, क्रिएट कमांड के थ्रू, अप्लाई कमांड के थ्रू, और अपन ने यामल फाइल लिखना सीखा है कि कैसे एक सिंपल यामल फाइल लिखते हैं पोड के केस में। तो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और आगे बढ़ के अपन क्या देखते हैं, अपन उस पोड को एडिट करते हैं, ठीक है? तो अपन क्यूब सी टी एल एडिट कमांड के बारे में देखते हैं, और उसके बाद में अपन डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है क्यूब सी टी एल क्रिएट कमांड में, अप्लाई कमांड में, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई पोड ऑलरेडी रनिंग है क्या। चलो, कोई पोड रनिंग नहीं है, ठीक है? ये यामल फाइल अपन ने लास्ट वीडियो में लिखी थी, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, क्यूब सी टी एल क्रिएट हाइफन एफ, ठीक है? एंड मैं फाइल का नेम दे दिया तो पॉड क्रिएट हो गया, ठीक है? एंड अभी मैं लिस्ट करवाता हूँ पॉड्स की। क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स हाइफन ओ वाइड, ठीक है? ओके। एंड मेरे को यहाँ पे देखने हैं ऑल लेबल्स, राइट? शो लेबल्स, ठीक है? तो देख सकता हूँ मैं इस पॉड में, मैंने ये एक लेबल असाइन किया था जो यहाँ पे इसको अटैच हो गया, राइट? चलो, अभी ना मुझे इस पॉड को एडिट करना है। एडिट करना है बोले तो अभी यूँ मान लीजिए मुझे पॉड जो है, या तो इसकी इमेज ही चेंज करनी है कंटेनर का, राइट? या फिर मुझे ये जो लेबल है और लेबल अटैच करना है, या इसको रिमूव करना है, ठीक है? तो मैं एक दो लेबल और अटैच करता हूँ। तो कमांड क्या रहेगी, क्यूब सी टी एल एडिट, राइट? अब आपको पोड को वापस कुछ मॉडिफाई करना है या अपडेट करना है तो आपको एडिट कमांड यूज करनी है। क्यूब सी टी एल एडिट, और उसके बाद में आपको आपके पोड का नेम देने का है, राइट? पोड एंड माय फर्स्ट पोड, राइट? एंड सी, यहाँ पे लेबल्स आ गए, राइट? तो आप यहाँ पे लेबल्स ऐड कर सकते हैं, वन एंड वन, राइट? सी, पॉड जो है वो एडिट हो गया। क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स हाइफन हाइफन शो लेबल्स, राइट? तो आप देख सकते हो न्यू जो लेबल है वो भी वहाँ अटैच हो गया है, ठीक है? चलो, ये एक जस्ट ये था कि आपको आपका अपडेट करना है कोई भी ऑब्जेक्ट क्यूबरनेटिस के अंदर, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? अब अपन बात करते हैं कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिएट कमांड एंड अप्लाई कमांड, राइट? अपन ने मतलब सेम ही यामल फाइल है दोनों में, तो वो तो डिफरेंस हो नहीं सकता कि भाई क्रिएट के लिए अलग टाइप की यामल फाइल लिखते हैं एंड अप्लाई के लिए अलग टाइप की यामल फाइल लिखते हैं। दोनों ने पोड ही क्रिएट करके दिया है सेम, फिर डिफरेंस क्या आ रहा, राइट? तो दोस्तों, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कि एक तो है इम्परेटिव एंड एक है डिक्लेरेटिव, ठीक है? तो क्यूबरनेटिक जो है वो तीन टाइप से आप ऑब्जेक्ट मैनेज कर सकते हो क्यूबरनेटिक्स के अंदर। तीन टाइप कौन कौन से हैं? वो तीन टाइप्स हैं, इम्परेटिव कमांड, इम्परेटिव ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड डिक्लेरेटिव ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? चलो, इम्परेटिव कमांड्स मतलब आप एक पोड क्रिएट करते हो किसी कमांड के थ्रू, राइट? या इन सिंपल वर्ड, आप क्यूबरनेटिस के अंदर रिसोर्सेज के साथ कुछ भी ऊपर नीचे कर रहे हो, यानी कुछ भी मैनिपुलेट कर रहे हो, कुछ चीज़ ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, राइट? या कुछ भी अपडेट कर रहे हो क्यूबरनेटिस के अंदर किसी भी रिसोर्स में यूजिंग कमांड। मीन्स आप कोई भी यामल फाइल नहीं लिख रहे हो, मीन्स वो इम्परेटिव है, ठीक है? इम्परेटिव कमांड्स है, ठीक है? अब उसके बाद में आता है इम्परेटिव डिक्लेरेटिव। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इम्परेटिव क्या होता है और डिक्लेरेटिव क्या होता है। तो दोस्तों, इन सिंपल वर्ड मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि इम्परेटिव क्या होता है और डिक्लेरेटिव क्या होता है। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है, क्यूबरनेटिस से बिल्कुल कंपेयर मत करना, नहीं तो मेरे को गालियाँ दोगे आप लोग। तो मैं रियल लाइफ में मेरे को ऐसा हुआ कि यार मेरे को ना एक साइकिल बनानी है, ठीक है? मैं खरीद के लाने की बात नहीं कर रहा, मुझे खुद को साइकिल बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, बाजार में जाऊँगा, टायर लेके आऊँगा खरीद के, चैन चक्के लेके आऊँगा, राइट? हैंडल लेके आऊँगा, और उसके बाद में मैं उस साइकिल को असेंबल करूँगा, राइट? मैंने वो असेंबल किया एंड मेरे को साइकिल रेडी मिल गया, ठीक है? अब कल मेरा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि
मेरे को जो मेरी साइकिल थी ना उसको वापस मॉडिफाई करना है, और उसको मॉडिफाई किस में करने का है, उसको मॉडिफाई करना है कि जो नॉर्मल साइकिल थी ना उसको गेयर वाली साइकिल में कन्वर्ट कर दे, राइट। तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, वो भी मेरे को खुद को वापस मैनुअली करना पड़ेगा, राइट। एंड डिक्लेरेटिव में क्या होता है, अपने को डायरेक्ट फाइनल आउटपुट पता रहता है कि मुझे ना गेयर वाली साइकिल चाहिए, राइट। तो अपन दुकान वाले को बोल देते हैं, अपने को कोई मतलब नहीं है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो गेयर वाली साइकिल अपने को कैसे बना के देगा। हो सकता है उसके पास सामान अवेलेबल ना हो सकता है उसके पास पहले से ही बनी हुई रखी हो, अपने को वो वही दे दे, राइट। या फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना हो तो वो खुद अपने को वो चीज़ करके देता है, राइट। तो ये जो था ना कि एक में तो खुद को मैनुअल करना पड़ रहा था सारा काम, मीन्स मैंने खुद ने असेंबल किया, एंड दूसरा डिक्लेरेटिव में भाई मेरे को साइकिल दे दे, एंड उसने मुझे साइकिल दे दी बना के कैसे भी, मेरे को कोई मतलब नहीं उसने कैसे बनाई, राइट। वो जो चीज़ है वो होती है डिक्लेरेटिव, ठीक है। अब जो ये इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव, राइट, तो इनमें जो रियल लाइफ में डिफरेंस है ना, जो अपन ने अभी मैंने एग्जांपल दिया, सेम यही डिफरेंस जो है ये क्यूब सीटीएल क्रिएट एंड क्यूब सीटीएल अप्लाई के अंदर है। तो क्यूब सीटीएल क्रिएट जो कमांड है वो आपका इम्पेरेटिव कमांड है, एंड क्यूब सीटीएल अप्लाई कमांड जो है वो आपका डिक्लेरेटिव कमांड है। अब आपको मैं बताता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे एडिट कमांड पहले लिया था, राइट। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पोर्ट था, राइट, आपने पोर्ट क्रिएट किया, ओके। उसके बाद में ये पोर्ट आपका क्रिएट हुआ, अब आपको दिमाग में आया कि यार मुझे ना लेबल और अटैच करना है, राइट। जैसे अपने साइकिल बना दी और फिर दिमाग में आया, अरे यार गेयर वाली साइकिल बनानी है, देन अपन ने उसको वापस एडिट किया एंड वापस वो साइकिल बनी, राइट। सेम वही चीज़ यहाँ पे बाद में जैसे ही ये क्रिएट हुआ, अपने दिमाग में आया कि भाई मेरे को इसके अंदर लेबल और ऐड करना है, राइट। यहाँ पे देखो केवल एक लेबल अटैच था, तो अपन ने क्या किया, खुद ने वापस एक कमांड चलाई, क्यूब सी टी एल एडिट कमांड, राइट। और फिर ये अपन ने उस वी आई करके उस फाइल के अंदर अपन ने वापस लेबल अटैच किया, और यहाँ पे ये न्यू लेबल अटैच हो गया, राइट। मीन्स यहाँ पे चीज़ें अपने को मैनेज करनी पड़ रही है, करेक्ट। और जो ये इम्पेरेटिव कमांड है या फिर डिक्लेरेटिव कमांड है, इन सिंपल वर्ड इम्पेरेटिव ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मीन्स यदि आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो क्यूबरनेटिक्स के अंदर, रिसोर्सेज क्रिएट करते हो या अपडेट करते हो, और यदि आप यामल फाइल लिखते हो तो ये बहुत इजीली आप लिख सकते हो, राइट। एक बड़ी बड़ी कमांड्स लिखो, उससे अच्छा है कि आप ऐसे पूरा यामल फाइल लिखो एंड उस हिसाब से रिसोर्स क्रिएट कराओ। फॉर एग्जांपल आपको यूँ मानो आपने एक पॉड तो क्रिएट कर दिया, बट यदि मैं आपको बोलूँ कि आप एक ऐसा पॉड क्रिएट करो क्यूब सी टी एल रन कमांड से जिसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हो, सॉरी मल्टीपल कंटेनर हो, तो वो आप कैसे करोगे, राइट। सो क्या है, आप यामल फाइल लिखो, उसके अंदर कंटेनर्स की जो एरे थी वहाँ पे एरे अपेंड करो, राइट, और आप आराम से लिख सकते हो, तो ये इजी होता है। उसके बाद में जो डिक्लेरेटिव वाला होता है वो ऑटोमेशन के हिसाब से बहुत ईजी रहता है, राइट। ऑटोमेशन में अपन क्या करते हैं, भाई मेरे को फाइनल आउटपुट ये चाहिए, राइट। तो आपको उस टाइप का यदि कुछ आपका रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल आप क्यूब सी टी एल अप्लाई कमांड यूज़ कर सकते हो, राइट। और इन दोनों में फ़ायदा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मीन्स आप यामल फाइल लिखते हो तो आप इसको आपके गिट रेपो में सेव करके रख सकते हो, राइट, एंड आपका जो चेंजेस है वो आप कमिट कर सकते हो, राइट। और उसके बाद में जब आपको लगे कि हाँ ये लास्ट वाले में कुछ ना कुछ गलत हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो प्रीवियस वाले कमिट पे, और उसके बाद में आप चेंजेस रोल बैक कर सकते हो, करेक्ट। अपन ने इम्पेरेटिव ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिया, राइट, कि भाई एक लेबल था उसके बाद में उसको एडिट किया, लेबल अटैच किया एंड उसको अपन ने वापस मॉडिफाई करवाया। अब डिक्लेरेटिव में देखते हैं, राइट। चलो पहले तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ये पॉड क्यूब सी टी एल डिलीट हाइफन एफ, राइट। आप ऐसे डिलीट के साथ हाइफन एफ और फाइल का नाम दे दोगे तो उस फाइल के अंदर जो जो रिसोर्सेस क्रिएट होने का लिखा हुआ था ना वो रिसोर्सेस डिलीट भी हो जाएंगे, ठीक है। क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ एंड फर्स्ट पॉड डॉट याम एल, राइट। अभी देखो क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स हाइफन हाइफन शो लेबल्स, राइट। तो आप देख सकते हो उसको एक लेबल अटैच है। अभी मैं क्या करता हूँ, वी आई करता हूँ फर्स्ट पॉड डॉट याम एल को, एंड यहाँ पे एक और न्यू लेबल अटैच करा देता हूँ,
राइट। अभी वापस मैं, अभी देखो पहले क्या किया था, क्यूब सी टी एल क्रिएट कमांड से तो क्रिएट किया, एडिट एडिट कमांड से अपन ने उस रिसोर्स को एडिट किया, राइट। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, आपको सेम कमांड चलानी है, राइट। आपको फाइनल पता है कि मुझे तो ये चीज चाहिए, राइट। अभी आप देखो, ओके, तो ये जो डिफरेंस है ये है इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव में। आपको आपका फाइनल आउटपुट पता है, आप वो चलाओ, उसके बाद में क्यूबरनेटिक्स जो है वो उसका टेक केयर खुद कर लेगा कि भाई मेरे को पहले से ही पॉड क्रिएट है तो उसको उसको ही अपडेट कर देगा। और ऐसा है कि पॉड क्रिएटेड नहीं है या फिर हो सकता है ये पॉड हो ही नहीं, तो क्या करेगा, एक न्यू पॉड क्रिएट करेगा, उसको लेबल अटैच करेगा, वो सारे काम क्यूबरनेटिक्स खुद देख लेता है, करेक्ट। ठीक है, तो ये तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया। अब क्यूब सी टी एल अप्लाई में कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ फर्स्ट पॉड डॉट यामल एंड हाइफन हाइफन ड्राई रन, राइट। तो इस क्या बताया इसने कि ये एक पॉड क्रिएट करके देगा, ठीक है। चलो अभी मेरे को क्या ना, मेरे को सर्वर साइड चेक करना है कि सर्वर साइड क्या करेगा ये, तो आप यहाँ पे ना ड्राई रन के आगे सर्वर यूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शन क्यूब सी टी एल रन एंड क्यूब सी टी एल क्रिएट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या क्या बता रहा है कि देखो सर्वर ड्राई रन में क्या करेगा, ये आपके सर्वर पे एक पॉड क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चलो ऐसे करके चलाता हूँ, एंड अभी मैं चलाता हूँ क्यूब सी टी एल सर्वर ड्राई रन। तो ये बता रहा है कि अनचेंज, मतलब कि मेरे सर्वर पे ऐसा पोड पहले से ही अवेलेबल है। और यदि आप ये क्यूब सी टी एल फर्स्ट डॉट यामल ये वाला इतना कमांड चलाओगे ना, तो उस पोड के अंदर कुछ भी चेंजेस ही नहीं होगा। चलो अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं ना इस फाइल को एडिट कर देता हूँ वी आई, और मैं इस लेबल को डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। एंड अभी मैं वापस ये कमांड चलाता हूँ, तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि ये जो सर्वर पे जो था ये कॉन्फिगर होएगा, ठीक है। अब कॉन्फिगर होएगा, ठीक है, बट न्यू जो चेंजेस आएंगे ना, वो चेंजेस क्या आएंगे मुझे वो कैसे पता चलेगा, राइट। तो उसके लिए जो कमांड है वो है डिफ, राइट, हाइफन एफ और फर्स्ट पॉड डॉट यामल, राइट। तो यहाँ पे आप देखो सर्वर पे जो क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स हाइफन हाइफन शो लेबल्स, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसको दो लेबल्स अटैच हैं, और कैट फर्स्ट डॉट यामल यहाँ पे मैंने एक लेबल डिलीट कर दिया, राइट। तो इस कमांड का जो आउटपुट आया था ना, इसमें इस आउटपुट में ये देखो प्लस या माइनस किस जगह है, तो इसमें माइनस इस जगह है, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पोड है इसके अंदर से ये वाली चीज माइनस हो जाएगी, राइट। चलो करके देखते हैं, आप क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ, चलो अभी देखो वापस शो लेबल्स, राइट। तो ये डिलीट हो गया। अभी मैं वापस अटैच करता हूँ उस यामल फाइल के अंदर दो तीन लेबल, एंड डिफ कमांड वापस चलाता हूँ मैं, राइट। तो लास्ट टाइम तो जो लेबल था, अभी देखो, राइट, ये वाला लेबल तो ऑलरेडी अटैच है, राइट। ओके, जस्ट गिव मी वन मिनट, क्यूब सी टी एल वी आई एफ फर्स्ट पॉड डॉट यामल, ये नेम चेंज करना है मुझे यहाँ पे तीन, राइट। एंड मैं वापस ये कमांड चलाता हूँ, ये कमांड एक लेवल अटैच है यहाँ पे, और ये डिफ कमांड मैं वापस चलाता हूँ, तो आप देख सकते हो दो प्लस आ गए, राइट। और यदि मैं ये ऊपर ही ऊपर वाला लेवल है, यदि मैं इसको भी डिलीट कर दूँ, तो अभी क्या आउटपुट आना चाहिए, सी, यहाँ पे ये माइनस आया कि ये जो रिसोर्स है उसमें से ये वाला लेबल डिलीट हो जाएगा और ये जो दो न्यू लेबल है वो ऐड हो जाएंगे, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने क्या क्या कवर किया, क्यूब सी टी एल क्रिएट कमांड के बारे में, अप्लाई कमांड के बारे में, उसके बाद में एडिट कमांड के बारे में अपन ने डिस्कस किया, और
और मोस्टली तो अपन ने कमांड्स राइट, कैसे अपन ऑब्जेक्ट मैनेज करते हैं क्यूबरनेटिस के अंदर राइट. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.